अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रुबीना जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ भिंडी, इसे भरवा भिंडी भी कहा जाता है। ये बच्चों और बड़ों के टिफ़िन में देने के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप ये एक बार टिफ़िन में देंगे तो बार बार इसी की डिमांड होगी। ये बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार बनती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टफ भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। भिंडी के हमें डंठल निकाल लेना है, उसके बाद इस तरह से इसके दो दो पीस करने हैं और उसे बीच से इस तरह से कट लगा लेना है। इसमें हमें स्टफिंग भरनी है। इसी तरह से हम सारी भिंडियों को कट लगा लेंगे, डंठल निकालेंगे, इसके दो दो पीस कर लेंगे और इस तरह से इसे बीच से कट लगा लेंगे। हमारी सारी भिंडी कट हो चुकी है। अब हम भिंडी में भरने के लिए स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमें आधी कटोरी मूंगफली लेना है, आधा नारियल जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है, और एक दो चम्मच हमें सफ़ेद तिल चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे भून लेंगे। तो तवे पर मैं सबसे पहले मूंगफली डालूँगी और इसे रोस्ट करके लूँगी। धीमी आँच पर हमें अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेना है। एक से दो मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएगी। फली की बीज रोस्ट होने के बाद उसमें हमें ये सूखा नारियल डालना है। तो फली की बीज को हम थोड़ा साइड में हटाएंगे और ये सूखा नारियल भी इसमें डालेंगे और इसे दो से तीन मिनट तक चम्मच की मदद से हिलाएंगे और थोड़ा सा ये अच्छी तरह से भून जाए। नारियल हमारा रोस्ट हो गया है। अब मैंने इसमें सफ़ेद तिल भी डाली है और इसे भी मैं एक से दो मिनट तक तवे पर भून लूँगी। ये सब चीज़ें दो से तीन मिनट में ही हमारी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगी। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और अब हमें इन सब चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। देखिए, हमारी सब चीज़ें अब अच्छी तरह से ठंडी हो गई हैं। उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसका हमें एक दरदरा सा पाउडर बनाना है। बहुत ज़्यादा बारीक हमें इसे नहीं पीसना है। सब चीज़ों को हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसमें हमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ली है। ये सब चीज़ें हम ये मिक्सर जार में ऐड करेंगे। और अब इसे हम पीस लेंगे। देखिए, हमारा ये दरदरा सा पाउडर रेडी हुआ है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब हम इस स्टफिंग में आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे। नींबू का जूस ऐड करने की वजह से इसमें एक चटपटा सा टेस्ट आएगा। इसमें हमें ये 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करना है और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिसकी वजह से इसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम ये मसाले को भिंडी में भरते हैं। स्टफिंग को हमें भिंडी में भरना है। चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से हम ये स्टफिंग भिंडी में डालेंगे और इस तरह से मसाला इसमें भरेंगे। ये भिंडी बहुत ही टेस्टी बनती है। टिफ़िन के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। इस तरह से हम सारी भिंडियाँ भर लेंगे। देखिए, भिंडी में मैंने स्टफिंग भर दी है। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल ऐड किया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून राई और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूँगी। इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है।
और इसे अच्छी तरह से हमें थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। अब एक एक करके हम भिंडी इसमें ऐड करेंगे। मसाले वाला हिस्सा हम ऊपर रखेंगे और सारी भिंडियों को हम ये तेल में ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब भिंडियों को हम थोड़ा ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। आग को हम धीमी रखेंगे और इसको ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे और भिंडी को हम मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी भिंडी नीचे से अच्छी तरह से पक गई है। अब ढक्कन हटाकर हमें फिर से 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। इस बार हम ढक्कन इस पर नहीं ढापेंगे और इसी तरह से हम 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इसमें हमें थोड़ा कटा हुआ धनिया डालना है और थोड़ा सा जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो स्टफिंग भी हम इस पर डालेंगे। 1 से 2 चम्मच हम ये स्टफिंग इस पर डालेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही मसालेदार और टेस्टी होगी। और उसको हम फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, भिंडी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम भिंडी को सर्व करेंगे। देखिए हमारी स्टफ भिंडी रेडी है। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। रुबीना जायका को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।